दोस्तों, आप एक न्यू गेमिंग चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। इसको आपने सही तरीके से यूज कर लिया तो आपका न्यू गेमिंग चैनल ग्रो होने वाला है। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कौन सा गेम खेलें, कौन से गेम के ऊपर वीडियो बनाएं, जिससे हमारी वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यू आए। दोस्तों, आज के टाइम पर मोबाइल पर बहुत ज़्यादा गेम देखने को मिलेंगे, लाइव, फ्री फायर, BGMI, GTA 5 और भी काफ़ी सारे गेम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप सोचते हो कि हमें कौन सा गेम ट्राई करना चाहिए, तो दोस्तों ये आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सा गेम पसंद है और जिस गेम में आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं या फिर जिस गेम के आप किंग हो वही गेम आपको खेलना चाहिए। जैसे कि आप फ्री फायर में माहिर हो तो आपको फ्री फायर खेलना चाहिए, अगर आप BGMI में माहिर हो तो आपको BGMI खेलना चाहिए। तो देखो, आपको एक ऐसा गेम सिलेक्ट करना है जिस गेम का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और उसमें आपका इंटरेस्ट और गेमिंग स्किल नेक्स्ट लेवल हो। एंड आपको गेम सिलेक्ट करते समय ये नहीं सोचना है कि मैं तो फ्री फायर खेलता हूँ लेकिन फ्री फायर में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है तो मेरा चैनल तो ग्रो ही नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप किसी भी चीज़ में ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिशन अवेक के टाइम पर हर जगह है। तो गाइस, कॉम्पिटिशन पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और मान लिया आपने एक ऐसा गेम सिलेक्ट कर लिया जिसमें ऑडियंस तो भर भर कर है और इसमें आपका गेमिंग स्किल नेक्स्ट लेवल है, फिर भी ऑडियंस आपकी वीडियो को नहीं देखती, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ गेम देखने नहीं आती है, ऑडियंस आपके गेम प्ले को देखने नहीं आती है, ऑडियंस आपके कम्युनिटी स्टाइल को देखने आती है, ऑडियंस आपके खुद के पर्सनालिटी को देखने आती है, आप गेम में कैसे रिजल्ट कर रहे हैं ये देखने आती है। अगर आप लास्ट स्टार की तरह कॉपी करोगे तो ऑडियंस आपकी वीडियो को नहीं देखेगी, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस को जो बहा मिल रहा है सेम वैसा ही आप ही देंगे, तो ऑडियंस आपकी वीडियो को क्यों ही देखेगी। तो गाइस, आपको बड़े बड़े यूट्यूबरों का कुछ भी कॉपी नहीं करना है। क्या हमें क्वांटिटी पर फोकस करना चाहिए या फिर क्वालिटी पर? लेकिन ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी और क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। तो देखो, क्वांटिटी का मतलब ये है कि आप कैसा भी वीडियो बनाकर डेली आप अपने चैनल पर अपलोड करते जा रहे हो, एंड क्वालिटी का मतलब ये है कि आप पूरा इफेक्ट लाकर 7-7 दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें किस पर फोकस करना चाहिए, क्वालिटी या क्वांटिटी? तो देखो, आप एक न्यू क्रिएटर हो, आपको कुछ भी पता नहीं है कैसे वीडियो एडिटिंग करा जाता है, कैसे थंबनेल बनाते हैं या फिर कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो आपको इस समय पर ये नहीं सोचना है कि वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है। तो आपको इस समय पर डेली कैसा भी वीडियो अपलोड करो, और आप डेली वीडियो अपलोड करोगे तो आपकी कोई ना कोई वीडियो जरूर वायरल होगी। एंड डेली आपको 1 से 1.5 घंटा एडिटिंग सीखना है, पर आपको ये पहले से ही आता है तो क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना चाहिए। एंड अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।